आप देख रहे तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के चुरौटा थाना अंतर्गत रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर से एक अनियंत्रित कार हवा में उड़कर लगभग 50 फुट नीचे पुलिया से जा गिरी है। इस दौरान कार सवार दो युवकों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवा दिया गया है। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो घटना पूरी फिल्मी स्टाइल में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार मनगवा की ओर से सतना की ओर जा रही थी और जैसे ही रीवा बाईपास स्थित पूर्व विधायक अभय मिश्रा के फार्म हाउस के समीप बने हुए ओवरब्रिज के पास पहुंची तो तभी अचानक कार अनियंत्रित होकर हवा में उड़ते हुए ओवरब्रिज के नीचे आ गिरी। इस दौरान कार सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस सड़क दुर्घटना की सूचना तत्काल स्थानीय लोगों ने चोरठा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को उपचार के लिए अस्पताल में भिजवा दिया गया है। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि युवक कहां के हैं और कहां जा रहे थे। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों को भीड़ एकत्रित हो गई है।